गोपी तेरे पास गन है गन या गोपी कभी निहत्था नहीं रहता है क्या बात है तो निकालना चलो गोली चलो मुझे चलानी नहीं आती क्या कर रहे हैं यार गोपी लगता है मेरा खेल खत्म हो गया दोस्त नो तुम्हें गोली नहीं लगी है नहीं लगी नो अरे मैडम मैडम आप यहां से हट जाइए ये जगह खतरे से खाली नहीं है जाइए वो कह रहा है यहां पे अरे मैडम क्या कर रही हैं आप क्या कर रहा है बे सॉरी मैम अबे का है का देख बे ब्योमकेश कुमार चक्रवर्ती तू तमीज से रहा कर तू हर हफ्ते का नाटक है थारा यो टीवी भी नहीं है बोर होता हूँ अबे छह महीने की लगी है ना तो क्यों इतना उतावला हो रहा है यार छह महीने बाद भागियो फिर पकड़ेंगे गोली मार दूंगी मैं चल अंदर क्या है कोशिश मत करना भागने की आप समझे मैडम वैसे आप नहीं भी आती ना सब एकदम अंडर कंट्रोल था मैडम मैडम मैं आ गई पीतमपुरा मेरा ससुराल है अबे क्यों आ गई यार पीतमपुरा में मच्छर लड़ रहे हैं या कुत्ते भग रहे हैं सारे पीछे जो टिक ना रही बिल्कुल ही वेल बेबी वायदा युदा कमिजदा तुम्हें क्या है गमिजदा दादाजी मैं यहाँ ये पता करने आई हूँ कि आप लोगों ने कुछ सोचा कि नहीं सोचा कि मेरे पति कब जोर से बोलने लगेंगे पीतमपुरा मेरा ससुराल है यार गुलगुले अबे कितना शोर मच कितना शोर मचा रहा है यार और तू मैं देख रही हूँ थारे दिमाग में कोई एडिये बेडिये ना आ रहा है आजकल अबे ओ निकल के इसको सूट कर दे अरे नहीं 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 ओ ए एक मिनट मैडम आ रहा है मेरे दिमाग में एक बहुत कहाँ किसके नहीं नहीं मैडम आइडिया आपका ये बस आ मेरे दिमाग में रहा है ना तो मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही भरदो टंकी फुल नौटंकी आइडिया आ रहा है तो मैं जो है तैने लहंगा पिना के बैकलेस चोली बांध के जो है मुन्नी बना के नौटंकी में नचवाऊ फिर देगा आइडिया टेबल के नीचे तो आइए मतलब सुनिए हाँ हाँ भाई ऐसा है कि वो डॉक्टर ने कही थी ना कि एक शौक सा जो निकल जा बाहर कितना तू कितनी फुर्ती कितना डिस्ट्रैक्शन निकल निकल गेट आउट बात भी नहीं करने देते चल चल हाँ तो थारे पति को एक शौक देंगे एक झटका एक ऐसा जो है सदमा सा जिससे एकदम खुल के उसकी आवाज आ जाए चीख मारे वो तो थारा जो ससुर है उन पे हम हमला करवाएंगे नहीं नहीं अबे नकली होगा यार नाटक एक्टिंग वाला होगा तो कोई डंडे वंडे से या किसी तरह से एक हमला सा होगा और तब होगा हमला जब थारा पति कुछ आसपास हो जो देख ले तो बाप पे बेटा जब हमला होते हुए देखेगा तो नेचुरल सी बात है कि एक चीख एक जो है दहशत सी निकलेगी उसके मुंह से तो आवाज खुल जाएगी ओके गुड प्लान जी लेकिन उसके लिए एक जरा डेमो करेंगे एक रिहर्सल सी अरे हाँ मैडम हमारे डेमो हाँ गेट रेडी फॉर डेमो आई लव डेमो मैडम ना ब्योमकेश कुमार वापस जाओ वेरी बैड आपको कैसे पता चला अरे ताला वाला लगवाओ यार बिल्कुल ही खुले में चल रहा है इट्स फ्री फॉर ऑल जेंट्री है एकदम रेलवे स्टेशन हो रहा है ये पुलिस स्टेशन नहीं है
सर गोपी चल डंडा मारने की प्रैक्टिस शुरू करें। या वेल गुगले संभाल के मारना डंडा इज द आई लाइक अंडा इज द कैसी बातें कर रहा है यार आई एम अ प्रोफेशनल। देख अब तू बनेगा कोलाहल का डैडी और मैं बनूंगा वो गुंडा जो एक्चुअल में आगे जाके तू बनेगा वो अभी मैं बनूंगा ठीक है। अब एक चीज याद रखना कि कोलाहल के डैडी के पीछे ऐसे दबे पांव आना कि कोलाहल के डैडी को पता नहीं चलना चाहिए कि पीछे कोई गुंडा उन्हें डंडा मारने आ रहा है। डोंट वरी इज द आई लाइक सोयाबीन की बरी इज द हो गया सर ये हैं। अब हम कुछ बोले शुरू करते हैं फाइनली शुरू करेंगे हम तो हम कोलाहल का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं हम यहां से वहां जा रहे होंगे तुम इसे डंडा मारना जी सर लेकिन डंडा मारने से पहले जोर से चिल्लाना ताकि कोलाहल यानी कि हम सुन ले और आवाज दे अपने डैडी को। अरे करेक्ट सर करेक्ट मतलब मैं ऐसे जरा चिल्लाऊंगा सर ताकि कोलाहल को पता चलेगा कि डंडा मारने वाला हूं मैं उसके डैडी को तब कोलाहल ये देख के चिल्लाएगा कि डैडी ना हट जाइए और उसकी आवाज वापस आ जाएगी सर। वेल हो जाओ स्टार्ट इज द मैं हूं बहुत स्मार्ट इज द कैरी ऑन शुरू करें शुरू करते हैं सर। और क्या चिल्लाना है हम चिल्लाएंगे यार तुम इतना जोर से नहीं चिल्लाएंगे इतना ज्यादा नहीं चिल्लाएंगे आवाज बैठ जाएगा हमारा। ओके रेडी रेडी सर ओके एंड रोलिंग एंड एक्शन। लीजिए आवाज आ गई वापस आ गई कोलाहल की कितना आसान था सर एकदम बस प्लान सक्सेसफुल। अरे अरे जो कुछ सिखाया था सब याद है ना गोपी क्या सिखाया था ये पूरा डेमो किया था यार चौकी में याद है कोलाहल के बाप के सर पे जरा मारना नहीं डंडा हमें सिर्फ कोलाहल की आवाज निकालनी है उसके बाप की आवाज हमेशा के लिए बंद नहीं करनी है जरा संभाल के। ओके पर मारा तो तुमने भी था मेरे हाँ वो सब ठीक है। ए आ गया कोलाहल आ गया जा 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 जल्दी जा जल्दी जल्दी बाद में फोन करता हूँ। कौन है बे तू टेंशन के टेंट में और तेरी इतनी हिम्मत कि मुझ पर तू डंडा चलाएगा टेंशन की टेंट में रुक जा। हेल्प चिल्ला चिल्ला देखता हूँ कौन आता तेरी हेल्प को जो आएगा उसकी भी सुसाइड करूंगा मैं। अरे ना रुक जा ए कोई है हेल्प को सबकी सुताई करूंगा टेंशन की टेंट में। हाँ है सारा मानी चाहिए पुलिस वाला हो गया बिल्कुल नव विवाहित दुल्हन की तरह रो रहा है जिसकी शाम को शादी हुई है और सवेरे विदाई होनी है। मम्मी जी विदाई ही हो जानी थी जी वो भी इस दुनिया से। यार तू किस काम का है यार हैं तू देख शिकारी खुद शिकार हो गया तू बिल्कुल यूजलेस हमारे लिए तू रिटायरमेंट ले ले इस उम्र में तू पंजाब जा वापस आंगन वांगन धो गोबर ओबर लीप
खूब गन्ने के खेतों में फॉर अ स्ट्रोल निकल शाम को। बढ़िया लाइफ जी, क्यों दुख पा रहा है और दुख दे रहा है यार? मॉम, अंकल ने की मेरी सुताई इज्जत और आप कर रही हैं मेरी खिंचाई इज्जत। हाँ मैडम, एक्चुअली वो अंकल ने बहुत पीटा मैडम, बहुत पीटा इसे। मैडम पता नहीं था ना कि वो अंकल अचानक से यूं किंग अंकल निकलेंगे। मैडम ऐसा सूता मतलब ऐसे धो रहे थे जैसे कोई धोबी तौलिया धोता है ना मैडम, वैसे धोया इसे। और तू क्या कर रहा था वहाँ खड़ा खड़ा? तू फिल्म देख रहा था वहाँ आलिंगन टाकीज में? हैं, सैया पहलवान बलमा परदेसी। या मॉम, ये वहां से गया भाग इसदा, अंकल ने निकाल दी मेरी झाग इसदा। अरे मैडम मैं कैसे जाता वहां? मैडम कैसे जाता? मैं पैरों से जाता, और कैसे जाता? मैडम मेरे कहने का मतलब है कि जिस तरह वो अंकल सुताई कर रहे थे इसकी, मैडम मैं बीच में जाता तो कहीं मुझ पे भी हाथ उठ जाता। मैडम आई एम अ फ्रेजाइल बॉय। यार मारी ही जिंदगी का टाइटैनिक भिड़ लिया है आइसबर्ग से, जो ऐसे फालतू आइटम हमारे जिंदगी में लाइफ में ठुस दिए हैं भगवान ने। अंकल को बुलाने को कही थी, कहाँ है? वो तो जिम गए होंगे जी डंड पेलने। जी हम आ गए टेंशन के टेंट में। ओ आइए 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 भाई, भारत की शान ही मैन, गबरू जवान, मैन ऑफ स्टील, इंडियाज आंसर टू आर्नोल्ड स्वाजनेगर। अंकल जी इस उम्र में आपको घनी गर्मी है, आपने पुलिस वाला सूट दिया। है? अरे मैडम हमें क्या पता था कि जो हम पे हमला कर रहा है पीछे से वो एक पुलिस वाला है। मैडम हमें तो लगा कि ये गुंडा है टेंशन के टेंट में, और वैसे भी इनकी शक्ल में लिखा हुआ है कि हाँ हाँ मैं एक उठाई गिरा गुंडा, लुच्चा लफंगा किस्म का, चप्पल चोर, दो कौड़ी का सड़क छाप गुंडा हूँ। देखे बस 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 मॉम, आज तक मेरी बेइज्जती जरूर हुई है लेकिन एक साथ इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई। जब भी मेरी बेइज्जती हुई है टूर्नामेंट में हुई है। इंस्टॉलमेंट या दिस वन। वैसे लेकिन अंकल जी ये बात समझ में नहीं आई कि मतलब आपने इतना अच्छा, मतलब इतनी अच्छी तरह फाइटिंग और ये सब मारना वारना ये सब आप जो किए वो ये सब कहाँ से सीखा आपने? दरअसल बात ये है कि मैं बताना भूल गया आप लोगों को कि मैं ब्लैक बेल्ट था मार्शल आर्ट में। लो भैया ये एक बात बतानी ये भूल गए। वैसे जो है भाई से कितनी फ्रेंडशिप हो गई है और सारी पर्सनल बातों का खुलासा इन्होंने यहाँ कर दिया, लेकिन जो मेन बात है एक वो इन्होंने बोली कोई ना, भूल गए जी। है? अरे मैडम माफी मांग तो रहे हैं हम टेंशन के टेंट में, और मैडम आपके प्लान के बारे में हमारी बहू ने हमें बताया, लेकिन मैडम ये सारी बातें आप भी तो बता सकते थे हमें। अरे आपको नहीं बताया क्योंकि हम चाहते थे कि आपके चेहरे पे एकदम रियल असली का एक्सप्रेशन आए ना, तभी तो आपका बेटा डरेगा। मैडम ये प्लानिंग तो हो गया फेल, बिगड़ गया खेल, पीतमपुरा मेरा ससुराल है। हाँ। मारे दिमाग में मारा ये एक आइडिया आ रहा है, सुन गुलगुले के करना। आप गुलगुले ये? तो किस लिए इतना इंटरेस्ट है? हाय गुलगुले, क्या घड़ी खराब हो गई? घड़ी मेरी ठीक है, तेरा टाइम खराब है गोपी। ये टाइम है चौकी आने का? ये टाइम है? कितना लेट आया तू, पता है तुझे? अरे यार गुलगुले तुम्हें तो पता ही है ना, लप्पे लूतरा के साथ मेरा यार चल रहा है, उसको मैं कोटू हलवाई के ले गया था लस्सी पिलाने के लिए, बस लेट हो गया थोड़ा सा यार। ये सब नहीं चलता है, लेट हो गया इधर गया था लस्सी पिलाने, उससे क्या मैं क्या करूं? चौकी तो टाइम पे खुलेगी ना यार, काम तो टाइम पे ही होगा ना, काम तो काम है ना यार, वर्क इज वर्शिप। ये गलत बात है गोपी, मैं मैडम को आने दे, मैं कंप्लेन करूंगा तेरी, कंप्लेन करूंगा। अरे यार गुलगुले तू भी तो लेट आता ना कई बार। अब ये सब मत सुना, आज तो मैं टाइम पे आया हूं ना, मैं खड़ा हूं ना यहाँ पे तेरे से पहले। अब मैडम आएगी, अब मैडम को पता चलेगा कि तू कितना लेट आया है, और तू रोज लेट आता है ये भी बताऊंगा मैं मैडम को। तू देख अब तू बच नहीं पाएगा। अरे यार गुलगुले तेरे मैं कितने सीक्रेट जानता हूँ, मैंने आज तक कभी मम्मी जी को बताया है नहीं, तेरी कोई बात बताई है मैंने? साइलेंस।
आने दे मैडम को, तू तो गया। मैडम वो भी लेट आया चौकी में, अभी आया मैडम, बस अभी पहुंचा है। तो लेट आया है कभी कभार लेट? तू तू क्या यहाँ बैट्समैन लग रहा है? आज जरा सा 5 मिनट जल्दी आ गया तो क्यों? बालक के पीछे मैंने देखा है तू कुछ जेलसी में है, तू इसके पीछे पड़ा रह वे आजकल। एक आध दिन में जाने वाला है यार, उम्र का लिहाज करो जरा। काम पे लगो चलो। ए चुप कर, गाना गा रहा है। हेलो, तुम्हें लिफ्ट चाहिए? आओ मैं तुम्हें लिफ्ट देती हूँ। आओ आओ आओ, मैं तुम्हें लिफ्ट देती हूँ। आओ आ गई। क्या कर रहा है तू यो अजीब सा? प्राणायाम मैडम, प्राणायाम गुड फॉर हेल्थ। ओ पंजाबी बाग, तू क्या कर रहा है? मैं कॉफी देख रहा था जी। कॉफी ना देख, तू कंधे देख मारे। ओके। अरे नॉइजी है तू, जरा चुप रह के कर। कर अंदर बाहर, वेट। गुड मैडम, मैडम 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 मैडम, गजब हो गया मैडम टेंशन के टेंट में। अरे मैडम जो करती है ना वो गजब ही होता है, ये हमको पता है। हाय हाय, वेल कैलकुलेशन, कांग्रेचुलेशन, या दिस वन। हाँ भाई वैसे मुबारक हो, तुम्हारे जो है लौंडे की आवाज वापस आ गई है, खूब चीख पड़ाई हो तो गुड। तभी तो कह रहे हैं मैडम गजब हो गया, पीतमपुरा मेरा ससुराल है। हाँ। अरे तो बार बार एक ही बात क्यों कह रहे हो, गजब हो गया गजब हो गया, हमको पता है गजब हो गया। अरे अब गजब हुआ ही है, मतलब इतनी बड़ी बात हो गई है तो मिठाई तो लानी चाहिए, मिठाई तो बनती है। मिठाई? यहाँ मामले में पड़ गई खटाई और तुम्हें मिठाई की लग रही है? पीतमपुरा मेरा ससुराल है। अबे जरा खुल के बोल ले, पीतमपुरा और रोहिणी और पंजाबी बाग। Well, what is the problem is the दिल्ली में एयरपोर्ट पालम is the। अरे दादाजी प्रॉब्लम ये है कि ये आप इससे खुद बात करके देख लीजिए, प्रॉब्लम पता लग जाएगा टेंशन के टेंट में। हाँ बालक जरा कुछ बोल। क्या बोलूं मैडम, शोर मचा दूंगा। अबे तू बावड़ा हो गया क्या, चिल्ला क्यों रहा है तू, नॉर्मल बात कर। अरे नॉर्मल ही बात कर रहा हूँ मैडम, मैं चुड़ैल को देख के इतनी जोर से चीखा, इतनी जोर से चीखा कि मेरा वॉल्यूम उसी पे सेट हो गया। hey, hey. अब मैं ऐसे ही बोलता हूँ, शोर मचा दूंगा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल।
Click the show links and enjoy watching the videos.